गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ दीपेंद्र कुमार शर्मा फ्रॉम डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल। आई होप आप सबने अपने स्टडी को स्टार्ट भी कर दिया होगा और जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उन्हें आप देख भी रहे होंगे एंड अपने जो प्रॉपर नोट्स है वो बनाते जाए और अपने वर्क को भी सेंड जरूर करें। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ के लिए एडजेक्टिव का एक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट किया था, उसकी डेफिनेशन को हमने देखा एंड उसके टाइप्स के बारे में भी हमने जाना। आज हम उसके लास्ट के टाइप्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स एंड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी देखेंगे। ओके, आइए सबसे पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स यानी संख्यावाचक विशेषण। अब यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा है नंबर्स, यानी जिन भी एडजेक्टिव्स से, जिन भी शब्दों से आपको किनकी नंबर्स के बारे में पता चले, नंबर्स के बारे में आप आइडेंटिफाई कर सके कि इस सेंटेंस में नंबर्स की बात कही गई है, तो वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाएंगे। देखिए, द एडजेक्टिव विच शो, यानी जो भी विशेषण शब्द शो यानी दिखाएं, हाउ मेनी पर्संस और थिंग्स, कि कितने, हाउ मेनी यानी कितने नंबर्स की बात कर जाए। इस हाउ मेनी का मींस है यहाँ पर नंबर से, कि नंबर में आप जब किसी भी पर्सन को हो या आपके थिंग्स को हो, जब भी आप नंबर्स में काउंट कर लोगे तो वो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बन जाएंगे। आर नेम्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आइए एग्जांपल से समझा दूं मैं। दैट रिच मैन हैज 5 कार्स, यानी उस अमीर आदमी के पास कितनी कार है, हाउ मेनी कार्स, 5 कार्स। आपने काउंट कर लिया नंबर्स में, तो नंबर इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 5 इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 5 यहां पर कितना है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ट्यूजडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, यानी ट्यूजडे जो है वो वीक का थर्ड डे होता है। कौन सा दिन होता है ट्यूजडे, थर्ड डे। मैं बोलूं थर्सडे, फोर्थ डे, मंडे, सेकंड डे, एंड इसी तरह से जिन भी नंबर आप पर्संस का एंड थिंग्स के बारे में उनके नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सके या उनके बारे में बता सके वो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होंगे। ओके, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में हमने जाना था कि संकेतवाचक, अगर किसी भी चीज के बारे में हम संकेत करके कह दे कि ये हमारा है, जो उसकी इशारा कर दे किसी भी वस्तु में या पर्सन के बारे में, वो हमारे डेमोंस्ट्रेटिव होता। तो देखिए, द एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग, अगर हम किसी भी पर्सन या थिंग्स के बारे में इशारा करके या पॉइंट इंडिकेट करके बता देते हैं, जैसे बोल दू दिस इज, पॉइंट कर रहा हूं उससे कि दिस इज ब्लैक बोर्ड, दिस इज स्टीक, दिस इज डस्टर। ओके, तो जिन भी पर्सन या प्लेस के बारे में या थिंग्स के बारे में जब हम इशारा कर दें तो वो हमारे डेमोंस्ट्रेटिव होगा। जैसे एग्जांपल, आई लाइक दिस कार, अब मैं कहूं आई लाइक दिस कार, किसी कार की तरफ अगर मैंने पॉइंट कर दिया, आई लाइक दिस कार, यह कार मुझे बहुत पसंद है। दैट पेन इज ब्यूटीफुल, यह पेन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। दिस पेन इज वेरी ऑनेस्ट, दिस पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट, यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। तो इसी तरह जिन भी वर्ड से आप इंडिकेट करोगे वो आपके डेमोंस्ट्रेटिव होंगे। ओके, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद हमारी टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे, तो टेक्स्ट बुक की वर्ड मीनिंग्स और चैप्टर्स को रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक्स एंड जो कोर्स है उसको अवेलेबल कर ले मार्केट से और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दें। थैंक यू।